सुनकर डरा करते थे, लेकिन आज हम इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सब ने अपनी अपनी मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं। तो आइए देखते हैं वही मूवमेंट्स। स्कूल, जी हाँ, जहाँ हम सब पहली बार आए थे, अपने घर वालों को छोड़ के दोस्ती करना जहाँ पे सीखा था, एक नया सा रिश्ता जोड़ के हम सब यहाँ पे रोते हुए आए थे, और रोता था हमारा आखिरी दिन, क्योंकि आज भी याद आते हैं वे स्कूल के खट्टे मीठे दिन, जब हम रोज सुबह लेट उठते थे और वैन घर के सामने खड़ी होती थी और पांच बार हॉर्न बजाती थी, फिर पापा हमें डांटते थे। स्कूल के टीचर्स के हम नए नए नाम बनाते थे, रोज सुबह टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर का एक लंबा सा गीत गाकर सुनाते थे। टीचर जैसे ही पीछे मुड़ती तो चुपके से टिफिन खाते थे। दोस्तों और जूनियर्स का टिकट उनसे पहले हम ही खत्म कर जाते थे। वो ब्लैकलिस्ट का टैग लगाकर हम बैकबेंचर्स कहलाते थे। पेन पैड से लेकर कितने ही गेम हम पीछे बैठकर खेला करते थे, चाहे वो चॉक डस्टर वाला क्रिकेट हो या फिर वो धूप वाला क्रिकेट। फिर वो चॉक के छोटे छोटे टुकड़े कर एक दूसरे पर फेंकना, फिर वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली थी, वो हाउस सिलेक्शन, हमारी क्रिकेट टीम की पहली विनिंग, फिर सबके संडे के साथ में मुलाकातें, फिर वॉशरूम में सबका एक साथ जाना और आधा लेक्चर वहीं पर बिताना, वॉशरूम में सबका एक साथ जाना और आधा लेक्चर वही बताना। कोई एक बोतल में पानी भरने जाता तो उसको अपनी भी बोतल पकड़ा देना, फिर वो कॉपी का कवर हो या स्टाफ रूम में जाने का डर। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि यहाँ फेयरवेल में सब बन ठन कर आना चाहते थे, लड़के नए नए हेयर कट तो बालों में जेल लगा कर आना चाहते थे, और बात करें लड़कियों की तो वो बालों को स्ट्रेट करके नए नए ड्रेसेस पहन के आना चाहते थे। पर क्या करें, सपने तो सपने।